सैन फ्रांसिस्को एलन मस्क द्वारा संचालित एक स्कॉर्प ने ट्विटर से गैरकानूनी तरीके से डेटा चुराने को लेकर 4 अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दायर किया है और $1 मिलियन के हर जाने की मांग की है। शिकायत के अनुसार 4 इकाइयां, जिनकी पहचान केवल उनके आईपी पते से की जाती है, प्लेटफॉर्म की सेवा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी तरीके से ट्विटर उपयोगकर्ता डेटा को स्क्रैप किया। डलास टेक्सास में दायर मुकदमे में कहा गया है, एक स्कॉर्प ने विशेष आईपी पते की पहचान की जिसमें प्रतिवादियों से संबंधित आईपी पते भी शामिल हैं, जो स्वचालित अनुरोधों के साथ ट्विटर के साइनअप पेज को भर रहे थे। इन अनुरोधों की मात्रा किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित अवधि में सर्वर को भेजी जा सकने वाली मात्रा से कहीं अधिक थी और स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इन स्वचालित अनुरोधों का उद्देश्य ट्विटर से डेटा को स्क्रैप करना था। एक स्कॉर्प ने कहा कि वह सभी 4 व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने में असमर्थ रही है। एलोन मस्क ने ट्विटर पर थ्रेड्स सर्च को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने ट्विटर डेटा की अनधिकृत स्क्रैपिंग से लाभ कमाया। मुकदमे में कहा गया है, अत्यधिक आक्रामक डेटा स्क्रैपर्स की ओर से एक स्कॉर्प के सर्वर पर भारी मांग के जवाब में एक स्कॉर्प ने प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा एक दिन में कितने ट्वीट देखे जा सकते हैं, इसकी सीमा निर्धारित की है। वे उपयोगकर्ता जो पंजीकृत ट्विटर खाते में साइन इन नहीं हैं। ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद से मस्क ने एआई कंपनियों को ट्विटर डेटा को स्क्रैप करने से रोकने के लिए प्लेटफॉर्म में कई बदलाव किए हैं। इस महीने की शुरुआत में ट्विटर पर अत्यधिक बैकएंड परिवर्तनों के कारण लाखों उपयोगकर्ताओं को मुश्किल में डाल दिया गया था, क्योंकि मस्क ने कहा था कि उन्होंने डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम हेरफेर को रोकने के लिए एक दिन में कौन कितने पोस्ट पढ़ेगा, इस पर अस्थायी सीमाएं लागू की हैं। ट्विटर के मालिक ने कहा, डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम हेरफेर के चरम स्तर को संबोधित करने के लिए हमने निम्नलिखित अस्थायी सीमाएं लागू की हैं। हमारे चैनलों की सदस्यता लेकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हैदराबाद शहर के समाचार, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।